नमस्कार दोस्तों, मैं डियर पार लेके आया हूँ आप लोगों के लिए यूपी स्ट्रक्चर का आईटी लाइब्रेरी का अकॉर्डिंग टू टॉपिक कोर्स। तो आज ये पहला दिन है तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर। पहला टॉपिक बेसिक कंप्यूटर पे बात करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्ट। किसके लिए बनाया गया है? कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए एंड रिड्यूस्ड फिजिकल डिस्टेंस, दूरी को कम करने के लिए। दे हैव इम्प्रूव ह्यूमन कैपेबिलिटी टू डू मे टास्क, और ह्यूमन कैपेबिलिटी को ज़्यादा टास्क के लिए कैपेबल किया गया है। देयर आर मैनी एडवांटेज, कंप्यूटर के कई एडवांटेज हैं। इट इन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टूडे, कंप्यूटर हेल्प टू क्विक फाइंड इंफॉर्मेशन, लर्न व्यू थिंग, कम्युनिकेट विद पीपुल अराउंड टू वर्ड एंड मैनेज लाइफ बेटर। कंप्यूटर हेल्प अस लर्न एनी टाइम एनी वेयर अबाउट थिंग। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के पार्ट की। अब इसमें देख रहे हैं कि ये ग्लोब का चिन्ह बना है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्कैनर है, कंप्यूटर है। इस प्रकार से हम वर्ड से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्यूटर के भागों की, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कई पार्टों से मिलकर बना होता है। एक तो ये मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड और माउस हो गया, इन सब से मिलकर बना होता है। अब कंप्यूटर के विषय में देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा। इट इज यूज टू कन्वर्ट डाटा इंटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपुल एंड यूजर। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट सच एज द केस स्टोरेज डिवाइस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, केबल है, स्पीकर है एंड प्रिंटर है। इन सबको क्या कहते हैं हम? हार्डवेयर। क्या कहेंगे? इन सबको कहेंगे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रैक्ट द कंप्यूटर ऑन हाउ टू ऑपरेट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है? एक होता है सीपीयू। अब किसकी बात करेंगे? सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज लाइक एट द ह्यूमन ब्रेन। किसकी तरह होता है? आदमी के दिमाग की तरह। इट परफॉर्म दैट फॉलोइंग फंक्शन ऑल कैलकुलेशन। क्या कर सकते हैं इसे? ऑल कैलकुलेशन करेगा, ऑल डिसीजन लेगा, कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को कंट्रोल भी करेगा।
क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्यूटर के पार्ट के विषय में। कंप्यूटर में कितने पार्ट होते हैं? टू टाइप का पार्ट होता है कंप्यूटर, हैव टू पार्ट। एक तो इनपुट डिवाइसें होती हैं, दूसरी आउटपुट डिवाइसें। अब इनपुट डिवाइसें वो डिवाइसें हैं जिनसे हम डाटा को इंटर करते हैं। इनपुट डिवाइस हेल्प द यूज वर्क एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इट अलाउड द यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, जो एक स्टिक है। ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये सब होते हैं इनपुट डिवाइस। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, ये सब होते हैं इनपुट डिवाइस। अब इसमें लेते हैं किसको, सबसे पहले कीबोर्ड को जानेंगे। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड अलाउ द कंप्यूटर यूज टू इनपुट लेटर। किसके लिए? इनपुट लेटर है, नंबर है, अदर सिंबल इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंटर करने के लिए क्या, लेटर, नंबर एंड अदर सिंबल। इट यूज द अरेंज ऑफ द बटन एंड की। इसमें क्या होता है? बटन एंड की होता है। इट रिक्वायर्ड प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल की स्मूथली एंड सीक्वेंस। कैसे होते हैं? सेवरल की स्मूथली एंड सीक्वेंस में होते हैं। अब हम कीबोर्ड को देखेंगे। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड में कई वो होते हैं, ये एस्केप है, फंक्शन, इंटर है, बैक स्पेस के लिए, डिलीट के लिए है, प्रिंट स्कैन करने के लिए है, इनक्रोल के लिए है, इंडिकेटर है, नंबर पैड है, एरो है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, मेनू है, विंडोज है, अल्ट है, स्पेस बार है, अल्ट, विंडोज, कंट्रोल, शिफ्ट, कैपिटल लॉक्स, इतने फंक्शन कीबोर्ड में होते हैं। तो कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं, किसके लिए? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए। उसमें क्या क्या हो सकता है? सिंबल हो सकता है, नंबर है, लेटर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कीबोर्ड के स्पेशल फंक्शन में। शिफ्ट लेट यू टाइप टू अपर केस लेटर या करेक्टर व्हेन यूज द कॉम्बिनेशन विद अनादर लेटर। शिफ्ट का काम क्या होता है कि उसको कम नंबर को या अनादर लेटर को छोटा बड़ा करना। कैफ लॉक अलाउ द लेटर डू टू टाइप इन अपर केस विदाउट हैविंग प्रेस शिफ्ट। विदाउट शिफ्ट की के प्रेस के हम कैफ लॉक करके लेटर अपर केस में कर सकते हैं। विंडो लोगो की, इट्स यू ओपन द स्टार्ट मेनू। विंडो लोगो की से दाबने से डायरेक्ट स्टार्ट मेनू आएगा। आप किधर भी हैं, काम कर रहे हैं, अगर जो उसमें हाथ रखेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टार्ट मेनू वाला पेज खुलेगा। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेटिक की। अल्फा न्यूमेटिक की
तो अल्फानुमेरिक आर हैव लेटर्स हैं, नंबर हैं, पंचुएशन है, सिंबल है, द स्पेशल स्पेस बार है, टैप है, बैक स्पेस है, कैप लॉक है, शिफ्ट है, एंटर की है। ये सब अल्फानुमेरिक की में आते हैं। अल्फानुमेरिक की में क्या क्या आता है? लेटर है, नंबर है, पंचुएशन है, सिंबल है, द स्पेशल, द स्पेस बार है, टैब है, बैक स्पेस है, कैप लॉक है, शिफ्ट है, एंटर की है। स्पेस बार क्या हो? स्पेस बार अलाउ टू स्पेस टू द इंडिकेट व्हेन पास्ट। जब एक शब्द के बीच से दूसरे शब्द के बीच में गैप स्पेस देना होता है तो उसमें स्पेस की का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटर अलाउ। इंटर अलाउ द क्रोसेस टू बी मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट लाइन। इंटर करने से एक लाइन पूरी हो जाने से, इंटर करने से नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन शुरू करेगा। कहाँ से? बिगिनिंग से। ये सब परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस की डिटेट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर या सिलेक्ट टेक्स्ट चूजन। अगर जो कोई गड़बड़ टाइप करने में हो तो बैक स्पेस दे के उसको डिलीट करते हैं। दूसरा इसमें इनपुट डिवाइस में आता है क्या? माउस। तो माउस के विषय में देखेंगे। यूजिंग द माउस इन्वॉल्व द फॉलोइंग टेक्निक। पॉइंटिंग मूव द माउस टू मूव द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। क्लिकिंग प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। डबल क्लिकिंग प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। ट्विस्ट। डिगिंग होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड यू मूव टू पॉइंटर। ये माउस के यूज बता रहा है कि क्या क्या चार प्रकार से यूज करते हैं। एक तो स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में, एक तो उसके विषय में बताया। अब माउस के विषय में बता रहा है। पार्ट ऑफ माउस। माउस में कितने पार्ट है? तीन दिया है। तीन पार्ट में क्या है? लेफ्ट माउस बटन क्लिक मूव टू द पॉइंटर टू एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन के लिए किसी पोजीशन। वेल बीन द राइट एंड लेफ्ट मूव बॉटम यूज द मूव एंड स्क्रॉल अप डाउन पेज। स्क्रीन के पेज को ऊपर नीचे करने के लिए राइट माउस बटन क्लिक बिंग अप द अदर मेनू। इससे क्या आएगा? अदर मेनू। और अदर मेनू में क्या रहेगा? अदर मेनू में जब वो करेंगे तो ये खुल के आएगा। व्यू होगा, सॉर्ट बाय, रेफरेंस है, पेस्ट है, शॉर्टकट, इंटेल ग्राफिक सेटिंग, नाउ न्यू डिस्प्ले सेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? डिजिटल कैमरा। क्या है? डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ये देख रहे हैं। डिजिटल कैमरा क्या? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर अ डिजिटल कैमरा सेंड डाटा फोटो एंड वीडियो इनटू द कंप्यूटर सो इट इज कंसिस्ट इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है? फोटो वीडियो कंप्यूटर को भेजता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में कंसिस्ट किया जाता है। अब स्कैनर। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? स्कैनर। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट सच अ फोटोग्राफ एंड पेज द टेक्स्ट व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज स्कैंड इट इज कवर्ड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। किसमें? डिजिटल फॉर्मेट में कोई फोटो या लिखित
मैसेज को कंप्यूटर में चढ़ाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस वे साउंड इज स्टोरेज द डिजिटल फॉर्म वॉइस इंस्ट्रक्शन। द माइक्रोफोन इज यूज द वेरियस एप्लीकेशन सच एज द एडिटिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड मिक्सिंग म्यूजिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम बारकोड रीडर। बारकोड रीडर BCR का फुल फॉर्म क्या है, बारकोड रीडर या स्कैनर, आल्सो नोन एज द POS, पॉइंट टू स्केल। क्या है, पॉइंट टू स्केल। स्कैन इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग अ बारकोड यूजिंग लेजर। एक लेजर की मदद से हम बारकोड को रीड करते हैं। इट कैन आल्सो प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट या लॉग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट इनटू द डाटाबेस। बारकोड रीड करके हम उसके डाटाबेस को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेबकैम की। वेबकैम एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर में लगा है। अब वेबकैम इज द इनपुट डिवाइस बिकॉज इज द कंप्यूट अ वीडियो इमेज ऑफ सेंस ऑफ द फ्रंट इट आइदर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर या लैपटॉप। इट इज कनेक्टेड थ्रू द USB। किसके थ्रू, USB। इसके बाद कौन सा आया अभी, QR स्कैनर, यह इनपुट डिवाइस में आता है। और कौन सा आएगा, थंब स्कैनर जो आजकल बैंकों में यूज करते हैं। आई स्कैनर जो आधार कार्ड में यूज करते हैं। ये सब कौन सी हैं, इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस आर कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट दैट रिसीव एंड डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम ऑफ द कंप्यूटर। दीज डिवाइस हेल्प द एक्सपीरियंस एंड रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस इंक्लूड है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है। इनपुट डिवाइसों में कौन कौन थे, आपको याद होगा, इनपुट डिवाइस में था कीबोर्ड था, माउस था, कैमरा था, माइक था, स्कैनर था, जॉयस्टिक पेन था, बारकोड रीडर था। ये सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉनिटर की। द डिवाइस व्हिच डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट द कॉल ऑफ मॉनिटर, इसको क्या कहेंगे, मॉनिटर। द मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड ग्राफिक्स एंड इंफॉर्मेशन। मॉनिटर द वेरी सिमिलर टू द टेलीविजन, टेलीविजन के समान रहता है। कैसा मॉनिटर, टेलीविजन, बट यूजली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज द हायर रेजुलेशन, पर इसका रेजुलेशन उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप देखते थे CRT के बाद आया LCD, LCD के बाद आया LED।
ये तो हम लोग वही सन 2004-5 में देखते थे। तो ये क्या था, एक तो लार्ज था, पीछे बड़ा वो निकला रहता था, हैवी है, प्रोडक्ट हीट नॉट इंटेंसिव है। तो उसको रिप्लेस करके हम फिर क्या लाए, एलसीडी। अब इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, सीआरटी का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रखना है सीआरटी का फुल फॉर्म। दूसरा है एलसीडी। एलसीडी का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह क्या है, लेस स्पेस ले रहा है, लाइटली है, हल्का है, लो पावर कंजप्शन है, एक्सपेंसिव है, लिमिट व्यू एंगल। फिर उसको रिप्लेस करके कौन सा आया, अभी हाल ही में जो करंट में चल रहा है वो आया है एलईडी। एलईडी भी एलसीडी की तरह है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखना। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो लेस स्पेस लेगा, लाइट हल्का बहुत है, वेरी इंप्रेसिव है, ये केवल इंप्रेसिव था, वेरी प्रोवाइड हायर कॉन्स्टेंट कंट्रास्ट, इसका बहुत अच्छा होता है, बेटर व्यू एंगल। इसमें लिमिट व्यू एंगल दिया था, इसमें बेटर व्यू एंगल दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंटर, किसमें प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसको हमें लिखित फॉर्म में देता है। प्रिंटर इज द स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग कंप्यूटर डाटा, जनरेटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द डाटा, डाटा की हार्ड कॉपी जनरेट करता है। प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल आउटपुट डिवाइस ऑन कंप्यूटर, दे आर कॉमनली यूज द प्रिंट टेक्स्ट इमेज एंड फोटोग्राफ। किस में यूज करते हैं, एक तो आपको मैटर कोई लिखा होगा उसको प्रिंट करेंगे, कोई इमेज होगी फोटो तो उसको, या फिर फोटोग्राफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर, हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर साउंड कार्ड, द आउटपुट साउंड जनरेट बाई द कंप्यूटर, बाई द कंप्यूटर। स्पीकर कैन बी यूज टू अलर्ट द यूज ऑफ बेल एज बेल ऑफ म्यूजिक एंड स्पोकन ट्रस्ट टेस्ट, कि म्यूजिक सुनने के काम में आता है, और कोई सूचना देने के या अलर्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट आता है हेडफोन। हेडफोन वही जो हम लोग गांव में लीड का कह के उसे क्या कहते हैं, हेडफोन, ईयरफोन। हेडफोन में ऊपर से रहता है और ईयरफोन में, दोनों सेम है। हेडफोन गिव साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, दे आर सिमिलर टू स्पीकर एक्सपेक्ट दैट दे आर वन ऑफ द ईयर, सो ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट वन टाइम, केवल एक आदमी इससे आउटपुट सुन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्टर लार्ज विजन ऑफ द ऑन टू फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्टर आर ओपन यूज द इन मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन, सो दैट एवरी वन इन द रूम कैन बी प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टर के थ्रू हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वही सब बताइए भी आउटपुट डिवाइस में आता है। तो इस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर ख़त्म होता है समराइजेशन में। बेसिक कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के भाग हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसें हो गई। इस प्रकार से पार्ट वन ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कल, एक्सप्लोरिंग अ कंप्यूटर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं।
एक नए टॉपिक के साथ।